नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। खबर राजनीति से जुड़ी हुई है, एक राजनीतिक व्यक्ति को लेकर है, एक राजनीतिक व्यक्ति से जुड़ी हुई है, एक नेता से जुड़ी हुई है, लेकिन खबर चुनाव से जुड़ी हुई नहीं है। खबर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को लेकर है। मंजू वर्मा को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। आप जानते हैं आर्म्स एक्ट के तहत उन पर मामला दर्ज हुआ था। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर में उनका आवास है और उनके आवास से सीबीआई की छापेमारी में 50 जिंदा कारतूस मिले थे और जिंदा कारतूस मिलने के बाद सीबीआई ने आर्म्स एक्ट के तहत उन पर मामला दर्ज किया था। मामला दर्ज होने के बाद मंजू वर्मा लगातार फरार चल रही थी, उनकी मुश्किलें बढ़ी थी और बिहार सरकार की फजीहत भी बढ़ी थी। बिहार सरकार पर लगातार उनसे इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा था। फजीहत बढ़ी तो सरकार ने इस्तीफा मांग लिया और फजीहत बढ़ी तो मंजू वर्मा को इस्तीफा भी देना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद भी वे लगातार फरार चल रही थी, उन पर सरकार पर भी दबाव था, बिहार पुलिस को भी फटकार लगी थी, बिहार पुलिस पर भी दबाव था, लेकिन पुलिस उनको पकड़ पाती इससे पहले मंजू वर्मा ने बेगूसराय कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था और आत्मसमर्पण के बाद उनको जेल भेजा गया था। वे लगातार जेल में थी, तब से जेल में थी, लेकिन अब खबर यह है, मंजू वर्मा के लिए अच्छी खबर है, उनको खुशखबरी मिली है पटना हाईकोर्ट से कि मंजू वर्मा को जमानत मिल गई है। तो सबसे बड़ी खबर अभी की कि जिस मामले में सरकार की फजीहत हुई, जिस मामले में मंजू वर्मा को जेल जाना पड़ा, अब फिलहाल मंजू वर्मा की मुश्किलें कम होती हुई, मुश्किलें आसान होती हुई, क्योंकि पटना हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है आर्म्स एक्ट के उस मामले में जो सीबीआई ने उनके खिलाफ दर्ज किया था। उनके घर से 50 जिंदा कारतूस मिले थे और जिंदा कारतूस मिलने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ी थी, उनकी उनके पति चंदेश्वर वर्मा की मुश्किलें बढ़ी थी, सरकार की फजीहत बढ़ी थी। और इस मामले में अब खबर यही, बड़ी खबर बिहार से, पटना हाईकोर्ट से, बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई कि मंजू वर्मा को जमानत मिल गई है। अगर आपको हमारी यह खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।